हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। आज फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना लहसुन प्याज के आलू बैंगन की सब्ज़ी। और बैंगन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेंगे। इसके अंदर हम बैंगन को एकदम भून के यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बैंगन को भून लिया अच्छे से और ये आलू लिए हैं। इस छोटे आलू मैंने यूज़ किए हैं, इसको छील के मैंने इस तरह से दो पीसेस में काट लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से आलू के शेप्स रख सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा लेनी है और उसके अंदर आपको 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लेना है। 1 छोटी चम्मच आपको जीरा डालना है और 1/2 छोटी चम्मच आपको डालना है अजवाइन और 2 पिंच आपको हींग डालना है। और इसी के साथ आपको डालना है 1.5 इंच का अदरक, एकदम बारीक काट लीजिए। और इसे एकदम अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, एकदम ब्राउन करना है। उससे जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और कच्चापन बिल्कुल भी अदरक का नहीं रहना चाहिए। इससे जो इसका अर्क आएगा सब्जी में वो बहुत ही अच्छा होगा। और अदरक जो है अच्छे से ब्राउन हो गया है, उसमें हरी मिर्चें डालती हैं और हरी मिर्चें पक चुकी हैं। अब इसी में हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, थोड़ा कम ही डालते हैं। और 2 छोटी चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़े से लाल मिर्चे पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो और थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही डालना है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम अच्छे से एकदम बढ़िया से भून लेंगे, एकदम तेल छोड़ने तक। इससे जो है एक तो सब्जी का जो है कलर बहुत बढ़िया आएगा और हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट जो है हमारा एकदम डिफरेंट आने वाला है। मसाला जो है हमारा बहुत बढ़िया से पक चुका है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक करके काट के डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से गल जाए और एकदम बढ़िया से गलने तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। देखिए एकदम तेल छोड़ने लगे हैं। तो इसी के अंदर फ्रेंड्स, जो हमने आलू अपने तैयार किए थे वो इसमें डाल देते हैं। आलू को अच्छे से हमें मसाले में एकदम बढ़िया से एकदम चला देना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको इसी तरह से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं आलू में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएं। और उसके बाद इसको 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट बीत चुका है। अब इसके अंदर हमें बढ़िया से देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और धुआं भी बढ़िया से निकल रहा है। बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गए आलू, पके नहीं हैं तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है पकने में। तो बढ़िया से हमने चला दिया है, अभी इसको और थोड़ी सी देर और पकाएंगे, 5 से 6 मिनट। फ्लेम को मैंने थोड़ा कम कर दिया है फ्रेंड्स, तो इसको ढक देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद इसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट बीत गया है और सब्जी हमने खोल ली है, लिड खोल दिया है। तो अब इसे अच्छे से चला देते हैं। और फ्रेंड्स, आलू जो है काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, थोड़ी बहुत ही कसर है। तो इसके साथ ही अब इसमें हमने जो बैंगन भून के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसे भी हमें बढ़िया से चला देना है, 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से चलाएंगे ताकि बैंगन अच्छे से पूरी सब्जी में मिक्स हो जाए और मसाले जो हैं बैंगन में भी बढ़िया से कोट हो जाए। इस तरह से चला देना है और अच्छे से चलाने के बाद फ्रेंड्स, इसे भी हम 2-3 मिनट तक फिर से ढक्के से थोड़ा सा पकाएंगे। इससे क्या होगा, जो बैंगन के थोड़े से साबुत पीसेस आपको दिख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे और आलू जो थोड़ी खड़े खड़े हैं वो भी बढ़िया से पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और लिड हमने खोल लिया है और आलू देखिए एकदम काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पके हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसे अच्छे से चला देते हैं और नीचे कलर भी देखिए सब्जी का कितना अच्छा हो गया है। बैंगन और आलू बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। हमने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है, फिर भी बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनके तैयार होगी। और जो हमने इसके अंदर बैंगन भून के डाले हैं तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं भरते वाला भी टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनेगी। और सब्जी हमारी तक बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छे से पक चुकी है। थोड़ा सा और बढ़िया से पक जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। बिना लहसुन प्याज के हमारी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरी
इसी तरह के नए नए वीडियो देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।